रोही एक बार फिर बाजी ले गया। अपने नाजरीन को फॉर्म 45 के साथ सबसे पहले जिमनी इलेक्शन के नतज से आगाह किया। पीपी 290 डेरा गाजी खान के 108 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली खान लगारी 55,426 वोट लेकर पहले नंबर पर, आजाद उम्मीदवार मयुद्दीन खोसा 21,967 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। पीपी 266 सादिकाबाद के 89 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुमताज खान चांग 27,177 वोट लेकर पहले नंबर पर। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सफदर खान लगारी 20,094 वोट लेकर दूसरे, जबकि सुन्नी इतिहाद कौंसिल के समीउल्ला जट 9,146 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। पीपी 93 भक्कर के 135 पोलिंग स्टेशन के नतज मौसूल। नून लीग के उम्मीदवार सरदार सईद अकबर खान 54,200 वोट लेकर पहले, आजाद उम्मीदवार डॉक्टर अफजल ढांडला 51,355 वोट लेकर दूसरे, जबकि सुन्नी इतिहाद के सरदार सिकंदर अहमद खान 1,768 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। जनूबी पंजाब में महंगाई का जिन बोतक से बाहर, मुल्तान में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अदरक 700, लहसुन 600 रुपए किलो, खरबूजा अमरूद 200, जबकि सेब 400 रुपए किलो दस्तया। दायरा दिन पनाह में मुसाफिर खाना भूत बंगले में तब्दील। बस स्टैंड में बना मुसाफिर खाना किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकता है। मुसाफिरों के बैठने के लिए बेंचेस टूट फूट का शिकार। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी ताखीर का शिकार। फूड सेंटर फकीरवाली में फूड इंस्पेक्टर के अलावा कोई अमला मौजूद नहीं। किसान फसल होने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर। मुबारकपुर के किसान गंदम खुले आसमान तले रखकर खरीदारों के मुंतजिर। साबिक सूबाई वजीर हुसैन जहानिया गर्देसी ने हुकूमत को निशाना पे रख लिया। किसान का पॉलिसियों की भरपूर मजम्मत, कहा इंपोर्टेड गंदम महंगे दामों मिलने को फराहम करने से आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला, अब गोदामों में पड़ी गंदम खराब हो रही है। माजी में किसान इस तरह इस्तेसाल नहीं हुआ। डिप्टी ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मोइन रियाज कुरैशी की रोही से गुफ्तगू, कहा बिजली खाद डीजल सब कुछ महंगा मगर रेट बहुत कम है, किसान कम कीमत पर गंदम फरोख्त करने पर मजबूर है। मुल्तान इंतजामिया तजावजात के खिलाफ इनएक्शन कॉरपोरेशन और दीगर इन्फोर्समेंट का ग्रैंड ऑपरेशन। घंटा घर चौक, लोहारी गेट, आस्ताना लालशाह, दौलत गेट, अली चौक और मासूम शाह रोड से तजावजात का खात्मा। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ऑपरेशन क्लीनअप। सेवरेज लाइनों की सफाई, कूड़ा उठाया जाने लगा। यूनियन काउंसिल 20 में छुट्टी के रोज भी काम जारी। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर का दौरा, पुलिस लाइंस जारी तरक्याती कामों का जायजा। हिदायत भी दी गई, कहा कि सफाई और तजीन और आयश यकीनी बनाई जाए। महरदीन मेमोरियल ट्रस्ट दुनियापुर का ऐसा निकाम, नवाई गांव 362 WB में 3 रोजा आई कैंप, 3100 मरीजों का चेकअप, मुफ्त अद्वियात और रैनकें दी गई, 280 मरीजों का ऑपरेशन, लेंस भी डाले गए। मौसमी सूरत हाल के पेश नजर गंदम के काश्तकार हो जाएं होशियार। काश्तकारों को जल्द कटाई करने की हिदायत, छोटी ढेरियां बनाई जाएं, कटाई के लिए हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाए। बारिश से मुल्तान में कपास मुतासिर होने का खतरा, उगीती काश पर सफेद मक्खी हमलावर हो सकती है, फंदे लगाने जमीन की सख्त तह तोड़ने की हिदायत। गर्मी आते ही मुल्तान में चीकों की खरीदारी, दुकानदारों को ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। चीकें धूप से बचाव के लिए इस्तेमाल होती हैं, शीशे लगाकर चीकों को दीदा से बनाया जाता है। छुट्टी के दिन मुल्तान के तफरीह मकामात पर रश, शहरियों ने एंजॉय करने के लिए आर्ट गैलरी दम दमा का रुख कर लिया, तारीखी तस्वीर का जायजा लेते दिखाई दी। जनूबी पंजाब के आवाम बहावलपुर चिड़ियाघर पहुंच गए। मुख्तलिफ स्कूलों के ट्रिप्स ने खूब एंजॉय किया, बच्चे जानवर देखकर खुश, सेल्फियां भी बनाई।
लाहौर उच्च शरीफ में 22वें वाले मेले का आज तीसरा रोज, शहरियों की कसीर तादाद तफरीही सरगर्मियों से लुत्फानंदोज, बच्चे खिलौने खरीदने झूले लेने में मसरूफ, नौजवानों ने भी टोलियों की शक्ल में मेले का रुख कर लिया।